हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप ये तो सीख चुके हैं कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। अब पहली लाइन से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर तीन प्रोडक्ट्स की बात की गई है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इनको सेट्स को नाम देंगे। सेट्स को नाम हमने दिया, तीन इवेंट्स हैं तो हमने तीन सेट सेलेक्ट कर लिए। लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, देन इसी तरीके से हम बी को लेट करेंगे, कैपिटल बी, बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी, एंड लेट कैपिटल सी बी द सेट ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट सी। जब हमने तीनों सेट्स को लेट कर लिया, अब हम क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन हमको इससे मिल रही है उसको एक्सट्रैक्ट करके वहां पर हम साइड में लिखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इसमें कौन सा बेसिक हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। कितने लोग प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। जो हमने सेट बनाया है ए, जिसमें वो वाले लोग हैं जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, तो कितने लोग हैं ऐसे, 21। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, 26 लाइक प्रोडक्ट बी। 26 लोग ऐसे हैं जो बी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो हमारे पास बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, 26। देन 29 लाइक प्रोडक्ट सी। अब सी सेट जो हमने बनाया था, जिसमें वो वाले लोग थे जो सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, वो कितने हैं, 29। आगे, इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, जो दोनों को पसंद करते हैं, तो 14 लोग ऐसे हैं, तो कौन से सेट के अंदर आएंगे ये 14, ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट इज 14। इसके बाद 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। जो सी प्रोडक्ट और ए प्रोडक्ट दोनों को लाइक करते हैं, वैसे लोग कितने हैं, 12। 14 लोग ऐसे हैं यहां पर जो बी और सी को लाइक करते हैं, तो क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, देन 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं, तो लास्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8। अब कितने लोग हैं जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं, फिर से हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेन डायग्राम की हेल्प से ये देखेंगे हमें निकालना क्या चीज है। ठीक है, अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको वेन डायग्राम में प्लॉट करेंगे और फिर अपने क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन करेंगे। नाउ वेन डायग्राम हमने बनाया, जिसमें हमको कितने सेट्स को दिखाना है, 3 सेट्स को, 1, 2 एंड 3। ठीक है, रेक्टेंगल बाहर रहेगा आपका, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, जितने लोगों का हमने सर्वे किया। ठीक है, यहां पर मैंने अगर ए सेट यहां लिख दिया, बी, 3 सेट्स ले लिए। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन को हम वेन डायग्राम में प्लॉट करते हैं। यहां पर हमने प्लॉट किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इस पूरे में 21, तो इसको हमने सर्कल के ऊपर मेंशन कर दिया।
इस सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ये अब इसमें ये सर्कल में कितने पार्ट्स हैं देखो, 1, 2, 3, 4, इन चारों पार्ट का आंसर 21 है। ठीक है, बी सेट में 26 एलिमेंट्स है, सी सेट में 29 एलिमेंट्स है। अब देखो उनको अलग अलग करा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन देखो ये वाला पोर्शन है, ये दोनों मिलाकर आपको, अब पहले हम इसमें अगर एबीसीडी नाम कर देते हैं तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, बी प्लस ई, बी प्लस ई की वैल्यू कितनी दे रही है 14, ये वाली इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली। ना सी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है, सी देखो ये वाला जो सर्कल है और ये वाला सर्कल है, नजर आ रहा है ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इन सर्कल का इंटरसेक्शन दे रखा है 12, तो दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, डी प्लस ई की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी में देखो ये सी का सर्कल और ये बी का सर्कल, तो इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है, ई प्लस एफ इज इक्वल टू 14। और लास्ट इंफॉर्मेशन, हमने तीनों इंफॉर्मेशन कैरी ऑन कर लिया, लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, 8, तीनों का इंटरसेक्शन। अब देखो जहां पे तीनों सर्कल्स मीट, तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, जहां पे तीनों सर्कल्स हैं, देखो ये ए का सर्कल, यहां पर देखो ये वाला ए का सर्कल है, ये सी का और ये बी का, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या है यहां पर, ई, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू 8। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द प्रोडक्ट, द पर्संस हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ओनली सी। अब ये ओनली सी वाले लोग कहां पर है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जो ओनली सी वाला है, ओनली सी वाला ये वाला ग्रुप है, सॉरी ये वाला जी वाला, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, जी की। इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, जी, वो वाले पर्सन जो सिर्फ सी को लाइक करते हैं, उन लोगों को हटा देना है जो ए और सी को लाइक करते हैं, बी और सी को, और तीनों को, तो हमें सिर्फ वो वाले लोग ढूंढने हैं जो सी को पसंद करते हैं। तो वेन डायग्राम से हमें पता चल रहा है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जी की। अब हम इसको आगे कैसे करेंगे, हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां से हम सबसे पहले बी डी और ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए यहां से बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, दिस इंप्लाइज दैट क्योंकि ई मेरे पास है, तो यहां से बी की वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 14 माइनस 8 which is equal to 6, and next equation से D की वैल्यू क्या निकलेगी, 12 minus E मतलब 8, that is 4, और यहां से मेरे पास F की वैल्यू निकल गई 14 minus 8 again 6। जब मुझे सेपरेटली हर एक पार्ट का आंसर पता चल गया, अब देखिए ये जो G है हम कैसे निकालेंगे, इस सर्कल C में से, सी की इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी कि कितने लोग हैं जो सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, 29, तो इस 29 में से अगर हम डी ई और एफ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वाले लोग जो सिर्फ इसको लाइक करते हैं सी प्रोडक्ट को, तो अब हम कैसे लिखेंगे इस चीज को, नाउ नंबर ऑफ पर्संस या पीपल्स जो मर्जी लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ पर्संस लाइक प्रोडक्ट सी ओनली विच इज इक्वल टू, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सी में, माइनस क्या क्या माइनस करना है इसमें से, इन तीनों का प्लस, डी प्लस ई प्लस एफ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं हमारे पास, 29 माइनस डी ई और एफ मेरे पास है, डी की वैल्यू 4, ई 8 एंड एफ 6,
तो आपके पास क्या आ गया, 29 माइनस 12 18, दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज योर आंसर। जहां पर कितने लोग सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, सिर्फ सी प्रोडक्ट को, दैट इज 11। सो वेन डायग्राम हमारी मुश्किलों को बहुत आसान कर देता है, जिससे हमें रट्टाफिकेशन से हटकर समझ सकते हैं कि हम ये चीज निकालने के लिए क्या करें। इसमें अगर आप फॉर्मुलेज लर्न करने बैठेंगे तो बहुत सारे और आप सब कुछ कंफ्यूज कर देंगे, और वेन डायग्राम हमारी इस चीज में हेल्प करता है कि आप लोग रटो मत, समझो और उसका फॉर्मूला खुद डिराइव कर लो। तो वेन डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर जब हम नेमिंग करते हैं सारे सेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, तो हमें फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाता है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तब तक के लिए टाटा।